एके मिश्रा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। एके मिश्रा साहब का बहुत बहुत स्वागत। मिश्रा जी, आप इस बात शुरू करेंगे, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाएंगे, दलों के पास जाएंगे। आज दो चीजें हुई। एक, गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अब स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन एक झटका है बड़ा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णायक और बड़ी राहत नहीं मिली तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, लालू प्रसाद यादव जैसा मामला हो जाएगा। जब चुनाव सर पर हो तो यह परिस्थिति मनोबल गिराती है, एक। और दूसरा, प्रधानमंत्री का यह कहना कि जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, हमारी गारंटी है सबके, किसी को छोड़ेंगे नहीं, बाकी कहानी ठीक है। लेकिन जिस भी राजनेता के खिलाफ कहीं भी मुकदमा चल रहा है या जांच चल रही है किसी घोटाले की, वो जब प्रधानमंत्री से ऐसा सुनेगा तो उसको कष्ट, झटका तो लगेगा मिश्रा जी, नहीं? आप अमिताभ जी आप बोल रहे हैं, अभी तो आपने चलाया डॉक्यूमेंट्री जी, साहब ने एक लाइन सही बोली। ओल्ड की टिप्पणी ये है कि एक्यूज जिसके ऊपर आरोप है यानी राहुल गांधी जी, वो एमपी एमएलए है इसलिए कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती है कि उनकी सजा माफ कर दें या केस कर दें। ये मील का पत्थर स्टेटमेंट है। अभी कुछ दिनों पहले से, सालों से हम लोगों ने देखा है, राजनीति हो, सिनेमा हो, टीवी सीरियल हो, सार्वजनिक सभाएं हैं, बड़े गलत शब्दों का प्रयोग, बात बात पे बड़े गलत गलत शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया है। तो मैं तो इस कदम की इतनी बुरी बुरी सराहना करता हूं कि अगर राहुल गांधी या इस तरह के जो लोग हैं जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, बचपन में पढ़ाए गए जो पाठ है कि कैसे बोलना है, व्यवहार कैसे करना है समाज में, वो भूल गए हैं, तो ये कोर्ट के थ्रू ये चीजें, ये पाठ उनको फिर से याद दिलाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब सवाल मैं कांग्रेस से ये पूछूं कि आप 2024 के चुनाव के लिए फाइट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कि कोर्ट कचहरी में जाके फाइट करेंगे? आपको तो फाइट राजनीति के लिए करनी थी, आपको संघर्ष राजनीति और सत्ता के लिए करनी थी, अब आप कचहरी कचहरी दौड़ते रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली, इसमें केवल राहुल गांधी का मनोबल नहीं गिरेगा। देखिए, राहुल गांधी का मनोबल गिरेगा लेकिन लाखों जो इनके कार्यकर्ता है जो जोश से भरे हुए थे उनका मनोबल जबरदस्त तरीके से गिरेगा, यानी पूरी टीम का मनोबल गिरेगा, प्रवक्ताओं का मनोबल गिरेगा, इनके कैंडिडेट का मनोबल गिरेगा। और मनोबल गिर जाना अपने आप में जीत को आपसे बहुत दूर कर देता है। तो ये कई एंगल से देखेंगे तो ये जबरदस्त आघात कांग्रेस के लिए है और एक समाज के लिए ये एक बहुत अच्छी सूचना है। जय विध नाथ हित हो ही मेरा, मैं तो बोलता हूँ पक्ष विपक्ष सब मिलके, कम से कम जवान तो सुधरे, नेताओं का, लोगों का जो पब्लिक के ऊपर या किसी के ऊपर ऐसी, ठीक बात है, ठीक बात मिश्रा जी, बिल्कुल वाणी का संयम होना ही चाहिए और खासतौर पर संविधान की गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए, संविधान किसी पार्टी का नहीं। एके मिश्रा जी, मैं राजनीतिक दलों से अक्सर कहता हूं, आप अपने लिए ये कवच क्यों मांगते हैं एक दूसरे से, क्या क्या मां यार हम भी नेता तुम भी नेता ऐसा करोगे आपस में, ये क्यों चलाना चाहते हैं? जिन राज्यों में ये इसे एक से सवाल हो जाए, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, विपक्ष के लोग बताते हैं, रत्नाकर भाई आंकड़ा लाए थे एक बार कि हमारी ज्यादा सरकारें हैं राज्यों में, ठीक। तो अगर आपकी ज्यादा सरकारें हैं तो वहां भाजपा के लोगों ने अगर कोई अपराध और गड़बड़ घोटाला किया हो तो उनको आप भी मत छोड़िए, जेल डालिए। आप ये उनको जेल तो डाल नहीं रहे, आप ये कह रहे हो कि हमारी कोई तरीका होता है राजनीति करने का। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, अब बताइए हद हो गई, अब अदालत गांधी परिवार के बारिश को भी सजा सुनाएगी। अरे भाई, क्या अदालत में ये बैन है गांधी परिवार के व्यक्ति को सजा सुनाना? प्रमोद तिवारी छोटे नेता है क्या मिश्रा जी? अमिताभ जी, देखिए, भारतीय संविधान और यहाँ के सभ्यता और कल्चर के हिसाब से भी सभी आदमियों को, सभी मनुष्यों को, नागरिकों को बराबर माना गया है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि माननीय जज साहब ने जो एक लाइन बोली कि भाई एमपी एमएलए होने के कारण आपको कोई विशेष छूट या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा स्पेशली अपराध के मामले में, वो कैसा भी अपराध हो, ये मील का पत्थर ये साबित होगा। अब आपका पहला सवाल जो है कि भाई ऐसी मनोवृत्ति बन क्यों गई, पश्चात में आप देखेंगे इसके पहले सारे राजनेताओं ने कुछ माहौल ऐसा बनाया, कुछ संविधान का, कुछ कानून का ये लेकर के कि भाई अगर हम एमपी एमएलए हैं, हम नेता हैं, हम मंत्री हैं,
तो हम समाज से, संविधान से और कानून से परे हैं। ठीक है, टेस्ट लिख जाएगा, उससे फैसला नहीं होगा। बहुत तरीके के प्रयोग जो है ये लोग अपने धन बल का उससे करते रहते थे और राजनीतिक प्रभाव का, ये परंपरा बन गई थी। और शायद इस परंपरा से ही अभिभूत होकर जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अरे इनको जो है कोर्ट में क्यों बुलाया गया, इनको समन क्यों दिया गया, या इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि भाई हम सब लोग कानून और संविधान से ऊपर हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं विपक्ष का कोई नेता, तो बोल देना कि भाई संविधान हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है, हमारे लिए संविधान में कानून की किताबों में स्पेशल चैप्टर है, हमारे लिए दंड संहिता अलग है, हमारे लिए शरीयत कानून अलग है, हमारे लिए ये अलग है। इस तरह की मानसिकता और व्यवस्था, ठीक है, मानसिकता का प्रश्न, ठीक है, ठीक है मिश्रा जी, इसमें क्या समस्या मिश्रा जी? कांग्रेस के पास वकील नहीं है क्या? बड़े वकील हैं क्या? समस्या क्या है? आम आदमी पार्टी के पास भी बड़े वकील हैं, जो वो हमको गिना रहे हैं कि ये जर्सी गाय और क्या क्या बताया, ठीक है, ऐसा बोला, मुकदमा लिखाइए। नहीं देखिए, इसमें समस्या ये है कि आत्मविश्वास की कमी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर यही कॉम्पिटिशन शुरू हो जाए सारे पोलिटिकल पार्टियों में, तो भी अपने देश और समाज का बड़ा भला हो, सब सुधर जाएंगे। इसीलिए मैंने इसीलिए बोला था कि समाज में जो ये बुराइयां फैली हैं, स्पेशली भाषण को लेके कुछ भी बोल देना, कहीं पे भी बोल देना, टीवी सीरियल पिक्चरों में, राजनीति में, कम से कम ये बुराई तो साफ होगी। मैं दोनों अपने जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ताओं से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी शुरुआत करिए। सावन से भादो पीछे नहीं होता है, सावन महीने में अगर एक कुछ सफाई हुई है तो कुछ भादों में भी सफाई करिए आप लोग, इसमें कोई गुरेज नहीं है। दूसरी चीज, आम आदमी के प्रवक्ता सर, आप लोग जब इतने मायोपिक होके देखेंगे, भाई सजा किसी कार्यपालिका ने या कोई राजनीतिक पार्टी ने थोड़ी सुनाई है। जो निर्णय सुनाया है वो अदालत ने सुनाया है, वो अदालत का अधिकार है। तो अब उसको आप कैसे कैसे उसको बोल करके आप उसको गलत साबित कर सकते हैं? ऊपरी अदालत में जाके आप उसको गलत साबित करिए, बाहर टीवी पे या कहीं और बोल के ये बोलना कि जी ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया, किसी प्रवक्ता ने किया, किसी एनालिस्ट ने किया, ये रॉन्ग पोजिशनिंग मत करिए सर। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे सरदार पटेल की तरह हम करेंगे ये, भाई आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं कि आप सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं? भारत को ये गुलाम तो है नहीं ना, ठीक है, कि आप वो वक्त अख्तियार करेंगे जो सरदार पटेल वगैरह या भगत सिंह अख्तियार करते हैं। ठीक है, एक मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, आपने अपना पॉइंट ठीक से रखा। गाल में जाने से क्या होगा? मुकदमा लिखाइए, नहीं तो मानिए कि आप नीच है। नहीं, अगर आपको असहमति है तो मुकदमा लिखाइए, जेल भिजवाइए, और नहीं तो मान लीजिए हम नीच है। ये कौन सी बात हो गई कि राजनेताओं को इतनी छूट तो होती है, कुत्ता कमीना बोले आपस में? नहीं जी, ये नहीं होनी चाहिए छूट। मिश्रा जी, अगर आप छोटे छोटे चीजों का, मतलब ऐसे अपशब्दों के खिलाफ कोर्ट में जाने या केस करने का भी साहस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास आत्मबल नहीं है, तो आप भारत की सरकार बना के प्रधानमंत्री बन करके पूरी दुनिया भर से कैसे लड़ेंगे? छोटी छोटी चीजों पे आप आवाज नहीं उठा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे आप आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कम से कम मुझे लगता है कि भाषा का ज्ञान आजकल के राजनेताओं में नहीं है। इन्होंने जो बोल दिया वही शुद्ध भाषा हो गई, वही सभ्य भाषा हो गई। अरे भाषा और शब्द कौन से सभ्य है, सभ्य नहीं है, ये उस भाषा का ग्रामर तय करता है और समाज तय करता है, अदालत तय करता है। जो आपने बोल दिया आप उसी को सिद्ध कर रहे हो कि भाई ये सभ्य भाषा है, ये सभ्य शब्द है। और इतने रहस्यात्मक, देखिए रहस्यवाद का प्रयोग मत किया करे, नहीं तो अदालत से लेके जनता तक आप सफाई देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। लाली तेरे लाल की जिद देखो सित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब समझो भाई सब लोग बैठ के, अदालत ने जो समझा उसने फैसला दिया, पार्टियों ने जो समझा, जनता क्या समझेगी? तो वो फिर जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक ठीक,